कार्य होने से पहले सब कुछ असंभव लगता है, हो ही नहीं सकता, लेकिन काम होने के बाद संभव हो जाता है। आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है, खाना बनाना भी बहुत कठिन काम है और खाना भी बहुत कठिन काम है। संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर मैं आधे लाइन में आपको बताऊं तो जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े छेनी हथौड़े का चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, और अगर आप किसी कार्य को कर लेंगे तो करने के बाद आसान हो जाता है। वो करने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है, करने से पहले सब कुछ कठिन रहता है। कितना खुशी का बात है, लाइट आ गया। नहीं ऐसा है नहीं, चलिए प्रोजेक्टर ऑन कर लेता हूँ। रिज्यूम कर लिया मैं, पिछल का तो स्टॉप हो गया था। चलिए मर्ज कर दूंगा दोनों रिकॉर्डिंग को। मैं किधर था जरा बताना, भूल गया मैं किधर था। अच्छा लिस्ट में था मैं। ओ तो यही है जी लिस्ट, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करूंगा, ओ के जगह पे यू कर दूंगा, ठीक, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक, ऐसा हो गया। टाइप को मैं छोड़े देर के लिए हटा देता हूं, ठीक है। टाइप एट्रीब्यूट तो आप समझ ही गए होंगे, ऐसा बाय डिफॉल्ट डॉट डॉट आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको जावा के अंदर भी कुछ और लिखना है, मतलब नेस्टेड लिस्ट। कैसे होगा नेस्टेड लिस्ट बताता हूं मैं आपको। इसके अंदर मैं आऊंगा, ठीक, फिर क्या करूंगा, फिर से यू एल ऐसे लिख दूंगा, फिर इसके अंदर एक और लिस्ट आइटम तैयार कर लूंगा, li जावा se, ठीक, और जावा double e, ठीक। जावा पढ़ना है क्या किसी को, मत कहना गलती से भी पढ़ना है। इसको रन कर दूंगा ऐसे, तो देखिए जावा के अंदर आ गया है, ट्रिपल ई क्यों हो गया जी। जावा एसी से क्या होता है, विंडोज एप्लीकेशन बनता है। जावा डबल ई से क्या होता है, वेबसाइट्स वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो जिस तरह से मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट किया, उसी तरह से आप लिस्ट के अंदर लिस्ट कर सकते हैं। HTML में भी कर सकते हैं, विजुअल बेसिक में भी कर सकते हैं आप, C में भी कर सकते हैं, जावा डबल ई के अंदर भी कर सकते हैं आप। इसके अंदर आप शुरू कर देंगे यूएल टैग, ठीक है, और फिर यूएल टैग के अंदर एल आई कर देंगे तो नेस्टेड हो जाएगा, ठीक। और जैसे मैं यहाँ पे यूएल दिया हूं, ठीक है, यूएल के जगह पे क्या कर दूंगा, ओएल, तो क्या हो जाएगा, लाइव देख लीजिए जी आप, क्या हो जाएगा, ओएल ओएल, ठीक, ऐसा। टाइप का मैं टाइप बदल दूंगा तो यहां पे 1 2 3 4 आ रहा है, यहां पे एबीसीडी आ जाएगा, ठीक। टाइप बदल के दिखा दूंगा, आप बदलोगे, बड़ा आसान है जी। टाइप यहां पे ए कर देता हूं, एबीसीडी हो गया। तो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्टिंग बना लोगे, बन जाएगा ना, प्रैक्टिस करना बन जाएगा, आसान काम है, ठीक है। तो एक क्लियर है, नहीं है क्लियर लिस्ट, आप लिस्ट इसी तरह से आप अनेकों बना लेना, ठीक है। पहले स्टूडेंट का नाम आएगा, नाम के अंदर उसके बारे में डिटेल्स आएगा, फिर दूसरे स्टूडेंट का आएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना लेना लिस्ट, और आप अपने आसपास देखना कोई रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल आपके पास है या नहीं, उस रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल को आप इम्प्लीमेंट करना है HTML में इस तरह से, ठीक है। तो बन जाएगा ना, आपसे नहीं बनेगा। कोई किसी को कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ तो बताइए, और नहीं है तो हम आगे चलेंगे। नहीं है ना, है
बताओ भाई है कि नहीं है? सब लोग चुप है, मतलब नहीं है, नहीं है ना? चलिए जी, नहीं है तो अच्छी बात है। चलिए अब अगला क्या है? टेबल। टेबल को बता दूं ना बताऊं? बता देता हूं टेबल को, इन सबको मैं पहले हटा देता हूं ऐसे, ठीक। सबसे पहले टेबल टैग मैं शुरू करूंगा, ऐसे बंद कर दूंगा, टेबल टैग बंद भी हो गया नीचे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं टी आर लिखूंगा, टी आर ऐसे, टी आर माने, टी आर मतलब टेबल रो, ठीक। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, टी आर के अंदर टी डी टैग शुरू करूंगा, टेबल डेटा या फिर टेबल कॉलम आप इसको पढ़ लो, ठीक। जब मैंने ए लिखा, ठीक, मैं पेंट अपना ओपन करता हूं ऐसा, जब मैंने क्या लिखा, ये देखिए, जब मैंने ये करा, जब मैंने इसको करा तो क्या हुआ, ये तो बहुत छोटा हो गया यार, कुछ नहीं मिलेगा क्या, ये है तो इस तरह का डब्बा बना, ठीक है, सिर्फ डब्बा। और जब मैं इसके अंदर क्या किया, टीडी, ठीक, तो डब्बा बन गया एक ठो, ठीक। रन करूं, ये क्या मजाक है, कुछ हुआ ही नहीं जी, ठीक है। टेबल में एक ठो एट्रीब्यूट दे देंगे, क्या, बॉर्डर। बॉर्डर इसमें होता है या किसी और में होता है? अच्छा बॉर्डर है, तो यहाँ पे वन दे देता हूं मैं बॉर्डर, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूं रन। मजा नहीं आया मेरे को, बहुत छोटा है। टेबल का हाइट विड्थ में देता हूं, ठीक, हाइट 200, विड्थ भी कुछ दे देता हूं, ठीक है, विड्थ 200। ये लीजिए, ये डब्बा बन गया, ठीक है, सिंगल डब्बा बना एक ठो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और टीडी देता हूं मैं, ठीक, तो क्या हुआ, एक और टीडी देने से सेप में आता हूं मैं, लाइन खींच देता हूं एक ठो, ऐसा बन गया जी, ठीक, सीधा होना भाई, छोड़िए हटाइए, तिरछा ही होगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। ये मुझे नहीं सेव करना है, इसको सेव करना है, ये देख लीजिए ऐसा हो गया, राइट। फिर से एक और टीडी दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे, और एक ठो बन जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से टीडी माने कॉलम, ठीक, और टी आर माने रो। आपको समझ में आया नहीं आया ऐसा, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूं, एक ठो और रो बन जाए, तो मैं क्या करूंगा, रो के बाहर आऊंगा और फिर से टी आर कर दूंगा ऐसे ऐसे, ठीक। अब इसको मैं सेव करके रन कर देता हूं, आप देखिएगा क्या होता है, यहां पे कुछ आ गया स्पेसेस, पता नहीं चल रहा है लेकिन, ठीक है। इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, यही टी डी टी आर को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब कुछ है नहीं ना कॉलम वगैरह, टेबल डेटा में कुछ है नहीं, इसमें कॉलम बनाऊंगा तभी वो दिखाई देगा, ठीक। बना दिया, ये देखिए आ गया ना, तो इस तरह से जो है ये बनता है, ठीक। समझ में आया नहीं समझ में आया, ये देख लीजिए। अब एक ठो सिर्फ है, एक ठो क्यों है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ठो ही यहां पे लिया हूं, इसलिए एक ठो सेल वहां पे दिखाई दे रहा है।
सिर्फ एक, दो ठोका और जगह है, दो ठो और बना दूंगा तो बन जाएगा। ठीक, तो इतना चीजें आपको समझ में आया है TDTR का मतलब कि नहीं आया, बताइए मेरे को। ठीक, तो समझ में आया आप लोग को, नहीं आया फिर से बताऊं, TR का मतलब है रो। ठीक, पहला जब मैंने TR लिखा तो एक ठो खाली डब्बा बना, ठीक है, वो हमें नहीं, कुछ उसमें था नहीं, ठीक है। फिर उसमें मैंने एक TD लिया तो एक डब्बा बन गया, ठीक है, इस तरह का। दूसरा मैंने TD लिया, ठीक है, तो एक और डब्बा बन गया, दो डब्बा बना, ठीक है। तीसरा मैंने TD लिया तो इस तरह का तीन डब्बा बन गया। ठीक, मतलब जो रो है इस तरह से, जो हम रो यहां से खींचेंगे इस तरह से, ठीक है, या फिर इस तरह से जो रो है, रो खींचेंगे हम, वो किससे खींचा जाएगा, वो खींचा जाएगा TR से। ठीक, और फिर इसके अंदर मुझे कॉलम बनाना है तो खोज होगा TD के अंदर ऐसे। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है कुछ, बताओ भाई, हाँ या ना, आ गया। अब मैं चाहता हूं कि इसके बगल में एक और चाहिए मेरे को TD, ठीक है, तीन है ना, चार ठो मेरे को चाहिए कॉलम, तो क्या करूंगा मैं, यहां पे आ जाऊंगा, एक और TD कर दूंगा ऐसे, ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा, नीचे भी कर दूंगा ऐसे, ठीक है, ये लो आ गया, चार्ट हो गया ना, तो इसी तरह से बनेगा। ठीक है, रो भी मेरे को चाहिए, तो रोज के लिए मैं क्या करूंगा, TR, ठीक है। अब इसमें भी तो मेरे को चाहिए कॉलम के लिए, कॉलम चाहिए, कॉलम के लिए मैं सेम कॉपी पेस्ट कर लूंगा यह सारा TD को, ठीक ऐसे, ठीक, ये ले लीजिए जी, बन गया, तो आसान है ये, बन जाएगा आप लोग से, नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, नहीं बनेगा, बताओ कुछ। अभी आपको डबल डबल लाइन इधर दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मार्जिन, पेडिंग, ठीक है। मैं क्या काम करता हूं, पेडिंग जीरो दे देता हूं, सेल स्पेसिंग है, ठीक है, सेल स्पेसिंग को मैं जीरो दूंगा, तो आप देखना क्या होगा, सारा जो डबल डबल आपको दिख रहा है वो गायब हो जाएगा। सेल स्पेसिंग का मतलब क्या, सेल के बीच बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, जीरो दे दिया, मैं तीन दे देता हूं तो क्या होगा, देखना आप, ज्यादा ज्यादा स्पेस हो जाएगा, ये देख लीजिए, हो गया ना। तो सेल के बीच में स्पेस को खत्म करने के लिए सेल स्पेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, समझ में आ रहा है आपको, इतना सबको क्लियर है ना, इतना टेबल नहीं है, क्लियर है, क्लियर। अब TD के अंदर कुछ लिखना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए नेम, क्लास, रोल नंबर, तो इस तरह से आप लिखोगे, एड्रेस, ठीक है, TD के अंदर आप लिख दोगे ऐसे, तो आ गया ना, नहीं आया, आ गया। जो विड्थ है ना, इसको मैं क्या काम कर देता हूं, 100% दे देता हूं, ठीक, ये 100% पूरा आ गया। ठीक, अगर मैं कुछ भी ना दूं विड्थ तो क्या होगा, विड्थ और हाइट में ना दूं तो क्या होगा, देख लो जी आप, ये देख लो, ठीक है, वह एकदम छोटा छोटा हो गया। ठीक, मैं नहीं देता हूं अभी, अब मुझे नेम लिखना है, तो क्या करूंगा, नेम का जो कॉलम है वो पहला कॉलम है ना, तो यहां पे मैं पहले कॉलम पे नेम लिखूंगा। नेम क्या लिखूं जरा बताओगे आप लोग, बताओगे क्या, कुछ बताओ, अमित लिख दिया, फिर से इसको मैं सेव करके रन करता हूं तो आ जाएगा यहां पे नेम में अमित। क्लास, क्लास में क्या ले लूं, DCA ले लेता हूं, ठीक है,
तो डीसीए हो जाएगा। रोल नंबर में क्या ले लूं, क्या बताइए, ये ले लेता हूं रोल नंबर, ये हो जाएगा। एड्रेस में मैं क्या ले लूं, आई एन डी आई ए, ठीक है, बोलिए कि आ गया यहाँ पे ये, ठीक। तीसरे में भी ऐसे ही हम लिख देंगे कुछ, ठीक है, अमित के जगह पे क्या ले लूं, हाँ, और क्या ले लूं नीचे, यहाँ पे क्या लिखो, नहीं बताओगे नाम, सुमित ले लेता हूँ। यहाँ पे क्लास क्या ले लूं, बीसीए ले लेता हूँ। रोल नंबर क्या ले लूं, 112 ले लेता हूँ। एड्रेस में क्या ले लूं, बताओ जी एड्रेस कुछ, ये चीन ले लेता हूँ जी, ये चाइना का रहने वाला है, ठीक, बोलिए नाम से तो नहीं लग रहा है। ये देखिए टेबल बन के रेडी हो गया, ठीक। तो इतना सबसे हो जाएगा कि नहीं होगा, इसमें कोई समस्या है तो आप पूछ लीजिए मेरे से, नहीं है समस्या, है समस्या बताओगे, आगे चले, क्या पक्का चले आगे, ठीक है चलिए। अब अलाइनमेंट है यहां पे, ठीक है, अलाइनमेंट को जानने से पहले मैं क्या करूंगा, एक एट्रीब्यूट दे दूंगा, सेल पेडिंग। सेल पेडिंग देने से क्या होगा आप देखना, यहां पे देता हूं 3 सेल पेडिंग, ठीक। अभी ऐसा दिख रहा है ना, एंटर मारा तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा स्पेस आ गया, ये कहलाता है सेल पेडिंग। 5 दे दूंगा तो ये कहलाएगा ऐसा, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसमें विड्थ देता हूं, ठीक, 50%, ये लीजिए आ गया, ठीक है। इस तरह से इसको दे दूंगा मैं अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में क्या दे दूंगा, सेंटर। तो क्या हो जाएगा जी, सेंटर में आ गया ये, ठीक आ गया ना। अब ये किसका लिस्ट है, ये स्टूडेंट का लिस्ट है ना, तो मैं कैप्शन देना चाह रहा हूं स्टूडेंट का, तो कैप्शन कहां देना चाहिए, टेबल के जस्ट बाद, ये टेबल टैग है मेरा, इसके जस्ट बाद यहां पे कैप्शन दे दूंगा, ये देख लो आप, ठीक। कैप्शन में क्या दे दूंगा, स्टूडेंट लिस्ट। अब इसको सेव करके जब मैं रन करूंगा तो क्या होगा, आ जाएगा स्टूडेंट लिस्ट टेबल का टाइटल में, आपने देखा आ गया, ठीक। अब इतना सबको क्लियर है ना, आगे चलें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या हाँ हाँ करे जा रहे हो, हाँ बताओगे, चुपचाप है लोग, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछ लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। चलूं आगे, आप एक चीज देखो यहां पे कि जो हेडिंग है वो हेडिंग भी वैसा ही दिख रहा है और ये डेटा है वो भी वैसा ही दिख रहा है, तो हेडिंग को हमें ठीक ठाक डेकोरेट करना चाहिए ना, तो इसके लिए हमें एक TH टैग दिया जाता है, मतलब टेबल हेडिंग, ठीक, TH दे देता हूं इसमें, काम करेगा नहीं करेगा, मजा नहीं आया, यहां पे नहीं काम करेगा ये, मैं भूल रहा हूं, काम करेगा यहां पे TD के जगह पे TH होगा, ठीक है, यहां पे दिया जाता है, मैं हर समय यही गलतियां करता हूं कि TR को ही TH बना देता हूं, ऐसे बन गया TH, मन TH माने टेबल हेडिंग, ठीक। ये देखिए हो गया, ऊपर वाला जो था वो बोल्ड हो गया, टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट था वो अपने आप सेंटर हो गया, ये डेकोरेटेड हो गया, ठीक। तो पहले क्या था और अब में क्या अंतर है, पहले जो था आपको देखने से समझ में आता था कि ये हेडिंग है, लेकिन वो वेब ब्राउजर को, HTML डॉक्यूमेंट को
पता नहीं था कि ये हेडिंग है, लेकिन अब टीएच आपने दिया तो ये हेडिंग बन गया। ठीक, इतना क्लियर है आपको? आगे चलें। ठीक है जी, टीएच टीआर में मैं आता हूं। बीजी कलर अलाइनमेंट यहां पे भी है, सेंटर बाकी है, सेंटर अपने आप हो चुका है उसका अलाइनमेंट, तो यहां पे मैं सेंटर नहीं यूज करूंगा। बॉर्डर कलर है, बीजी कलर है माने बैकग्राउंड कलर, मैं बैकग्राउंड कलर क्या कर दूंगा, रेड। ठीक, आप कैसे लिखोगे, आर ई डी लिख देना। ठीक, रेड हो गया। ठीक, बीजी कलर हो गया। बॉर्डर कलर क्या कर दूं मैं, इसे कर दूं, इसे कर देता हूं। तो ये देख लीजिए, बॉर्डर का कलर नहीं बदला, व्हाइट करूंगा तो पता चलेगा नहीं चलेगा, ये देख लीजिए, फिर भी नहीं पता चला। बात ऐसा है ना, इसी को मैं डिलीट मारता हूं थोड़ी देर के लिए। बॉर्डर कलर अब इसको कर दूंगा ये, कुछ हुआ ही नहीं जी। ये हो क्यों नहीं रहा है फिर, ये बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर था वही बॉर्डर यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे बॉर्डर। ठीक है, लो जी अब तो बदल जाएगा। तो ऐसे आप कर लोगे काम। ठीक है, रेड। ठीक है, यहाँ पे कर नहीं रहा है अभी, क्यों नहीं कर रहा है, उसके कुछ कारण हैं। क्या कारण है बता दूंगा मैं थोड़ी देर में आपको। ठीक, इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पे भी बॉर्डर कलर है। ठीक है, थोड़ी देर में आते हैं बॉर्डर पे हम। ठीक है, ये बॉर्डर कलर यहाँ पे दे दिया, बॉर्डर भी दे दिया, कुछ और देने वाला था बैकग्राउंड का जो कलर है। ठीक है, उसको मैं बदलता हूं थोड़ी देर के लिए, बैकग्राउंड कलर ये है ना बैकग्राउंड, इसको मैं ले लेता हूं रेड। ठीक है, येलो आर। ठीक है, कलर इक्वल टू व्हाइट ले लो। मैं इसमें क्यों दे दिया बीजी कलर, सभी में अप्लाई कर दिया ये बीजी कलर, मैं यहां पे दूंगा। ठीक है, और इस कलर को भी मैं यहां पे दे दूंगा। तो फिर होगा, अब एक कलर व्हाइट हुआ नहीं जी। ठीक है, बॉर्डर कलर यहां पे भी कलर नहीं है क्या, नो प्रॉब्लम, हमको तो ये स्टाइल आता है। ठीक है, फिर कलर कर देंगे यहां पे, कर देंगे जी व्हाइट। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये बॉर्डर मुझे ठीक नहीं लग रहा है, बॉर्डर कलर। ठीक है,
ये बॉर्डर मैं हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, पर बॉर्डर होता है ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हट गया बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर को मैं वन करता हूँ, ये बहुत ज़्यादा, अब ठीक है, ठीक। अब ये जो इधर वाला है ना, इन सभी का टेक्स्ट अलाइनमेंट आप देखो क्या है, इसको मैं सेंटर में करता हूँ, ठीक है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में मैं कर दूंगा, ठीक है। इधर है जी सेंटर, अलाइन कर देता हूं मैं सेंटर, सेंटर में आ गया, ठीक है, तो ऐसे ही आप कर लिया करोगे, ठीक है। एक और कोई प्रॉपर्टी है मैं लेकिन भूल रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है उस प्रॉपर्टी के बारे में, मुझे क्या प्रॉपर्टी है, चलिए मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि वो क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट आप कह लो, मुझे कुछ था, मुझे नहीं याद आ रहा है अभी, ठीक है। हाँ ये था, अभी आप मिडल, अभी आप देखिए ये जो टेबल है ना, वो टेबल कहाँ पे आ रहा है, इसका मैं रिफ्रेश में कर दूँ पता नहीं चलेगा अभी, तो इसका मैं जो विड्थ हाइट है ना, हाइट को थोड़ा बढ़ाता हूँ तब पता चलेगा, ठीक। हाइट में क्या कर दूँ मैं 300, ठीक, ये लो हो गया। अब ये देखिए सेंटर में आ चुका, ठीक है, ये कैसे सेंटर में आया, ये वर्टिकल अलाइनमेंट के कारण, मिडल दे दिया तो ऐसा आ गया, ठीक। तो कुछ पूछना है किसी को, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है, या सिर्फ मैं लिखे जा रहा हूं आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में अगर ना आ रहा हो तो आप पूछो, समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो किसी को कोई दिक्कत पीछे नहीं है, दिक्कत, दिक्कत है, आगे चलें, क्या कहते हो, आगे चलें ना चलें, या आप लोग प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करना है तो ये बात मैं बोलूं इसका आप लोग इंतजार करते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस करना है। एक चीज आखिरी में मैं और बता दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, क्या सेल को मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पे एड्रेस है ना, तो मैं क्या करता हूं, टीडी या फिर ये टीएच करता हूं ऐसे, ठीक है, या ऐसे ना करके मैं आ जाता हूं एक और रो लेता हूं मैं टी आर, ठीक है, छोड़ो हटाओ टी आर और मैं लूंगा तो आपको हो जाएगा कंफ्यूजन, रोल नंबर को मैं हटा देता हूं, ठीक। अब दिखाता हूं कि आउटपुट कैसा इसका आएगा, इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, ये जो एड्रेस है ना, ये दोनों में आए, ठीक है, दो कॉलम का एक ठो आए एड्रेस, ठीक। तो कैसे आएगा जी, कॉल स्पैन, यहां पे कर देता हूं टू, कॉल स्पैन, जैसे ही मैं टू किया आप ये देख लो मर्ज हो गया, ठीक, हो गया मर्ज। तो मर्ज आप कर लोगे इसी तरह से,
हो जाएगा ना, सब कोई से नहीं होगा, हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं है? समस्या नहीं है ना, तो ठीक है। मर्ज कैसे किया जाता है मैंने आपको बता दिया, ठीक। आप क्या काम करोगे, आप दो तीन तरह के टेबल बनाओ, ठीक, प्रैक्टिस के लिए। एक टेबल नॉर्मल आप लेना, दूसरा टेबल में ऐसा लेना जिसमें कि मर्ज वगैरह करने के लिए आपको मिले, ठीक है। दो जब टेबल बना लेना तो उसके बाद आप लोग क्या करना, अपना आप मार्कशीट निकालना, 10वीं वगैरह का, 12वीं वगैरह का, या फिर जिसका भी है, उस मार्कशीट को बनाने का कोशिश करना, ठीक। मार्कशीट आपसे बन जाएगा तो आप समझ लेना जी मैं सीख गया थोड़ा सा HTML, नहीं बनेगा तो प्रैक्टिस कर लेना, और ठीक। क्लियर सबको? कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है ना? बंद करो? कर दिया जी बंद। चलिए फिर से।